ये लड़की इस गाड़ी के पास अपने कपड़े बदल रही थी, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जिससे घबराकर वो गाड़ी की दूसरी ओर चली जाती है। फिर लड़का उसे इस शमशान जगह पर रुकने का कारण पूछता है, जिसके लिए लड़की उसे बताती है कि अचानक यहाँ पर चलते चलते उसकी गाड़ी खराब हो गई और इसके अलावा उसके फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो लड़का उसकी गाड़ी ठीक करने लगता है और कुछ ही देर में वो उसे स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे इसके बदले में उसे लिफ्ट देनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाती है और फिर उसे अपने गाड़ी के अंदर बिठा लेती है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, उसे नहीं पता था कि उसने एक सीरियल किलर को अपने पास बिठा लिया है। शुरुआत में तो वो किलर उस लड़की से काफी अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन फिर बाद में वो उसके साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो उसकी इन हरकतों को देखकर अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन अब किलर उसे अपना असली चेहरा दिखाता है और अपने पास पड़ा एक चाकू निकालकर उसे आराम से गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। इसके अलावा लड़की भी अब बुरी तरह से डर चुकी थी। पार्ट 2 के लिए लाइक और कमेंट करें।